हेलो दोस्तों मैं अग्रचंद आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की न्यूमेरिकल की क्लास क्योंकि बहुत दिनों से अब बार मैं यूट्यूब से थोड़ा दूर था हमारा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था यहाँ तक कि हमने ये सोच लिया था कि अब मैं YouTube पर नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन फिर आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स जो आ रहे थे हमारे पास लगातार इससे मुझे दोबारा आना ही पड़ा क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आइएगा मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है बहुत सारे टॉपिक्स आपने बताए और सबसे मेन प्रॉब्लम हमने ये देखी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है न्यूमेरिकल्स को लेकर के ठीक है तो मैंने सोचा चलो मैं इनकी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं बच्चा थोड़ा सा लाइटिंग की यहां पर प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूं कि आप इसे एडजस्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आप लोगों को समझ में आएगा आप कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है चलो हम लोग समझते हैं कि आखिर आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं ठीक है ठेके? और एक बात याद रखिएगा मैं दोबारा YouTube पर आया हूं तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे हम आपका खुले दिल से सपोर्ट करेंगे आप लोगों को ऐसे ही गाइड करते रहेंगे आपको समझाते रहेंगे अच्छे अच्छे तरीके बताते रहेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जो भी आप हमें कमेंट में बताएंगे हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ठीक है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको इंस्टा आई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं अदरवाइज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो उसे हमारे जब ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको पी मिल जाएंगी हर चैप्टर वाइज नोट्स की ओके तो अगर आप पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा ठीक है चलो हम लोग आज क्या समझने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं तो ये याद रखिएगा आज ये पहला वीडियो है बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो शूट किया है आप लोगों के लिए अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं डेफिनेटली आपको कंटिन्यूसली वन बाय वन वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा और आपकी न्यूमेरिकल्स की, की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल आज मैं इसका सोल्यूशन दूंगा कि जैसे आप ये समझेंगे कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर टू से किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं और फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं कारण होता है कि वो अच्छे से समझे नहीं होते ठीक है ठीके? तो आज से मैं ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाएंगे चैप्टर नंबर वन के एक से दो वीडियोज आएंगे इसके बाद में चैप्टर नंबर टू के वीडियोज आएंगे तो जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ती

अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिए शेयर करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे क्योंकि आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं शेयर करते हैं लाइक करते हैं वीडियोस को तो हमें मोटिवेशन मिलता है ठीक है और यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको पढ़ाते रहने के लिए मोटिवेशन की तो आवश्यकता होती ही है और मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से तो आप लोग हमें मोटिवेट करते रहेंगे आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं है इतना याद रखिए ठीक है ठेके? तो आप लोग जैसे ही हमें कमेंट करते रहेंगे अपने क्वेश्चंस पूछते रहेंगे जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं मैं उसका जरूर सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा ठीक है तो चलो आज की श्रृंखला में हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स आज कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं लेकिन आज का जो बेसिक क्लास है न्यूमेरिकल्स का चैप्टर नंबर वन का बेसिक क्लास मैं बताने वाला हूं जिसमें आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मुलेस याद होने चाहिए ठीक है अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए तो मैंने कुछ फॉर्मुले यहां पर लिख दिए हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी मैं हट जाऊंगा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इनका ले लेना आप इनको लर्न कर लेना एक दो बार अपने कापी पर नोट कर लेना क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं और आपके न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी करने वाले हैं यही सारे के सारे फॉर्मूले हैं ठीक है सबसे पहला फॉर्मूला यहां पर उसके बाद में मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है क्या करें कि न्यूमेरिकल्स कठिन ना लगे ओके तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं सबसे पहला फॉर्मूला कुलाम का नियम जिसमें अगर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में वैद्युत बल की बात की जाए तो हम कुलाम के नियम को याद करते हैं कोई भी दो बिंदु आवेश और कहा जाए दो बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगेगा तो हम कुलाम के नियम से वैद्युत बल का फॉर्मूला लाते हैं एफ इजल टू के ठीक है यहां पर के कांस्टेंट uh, होता है जिसको हम वन अपान फोर पाई एपसेल एन भी लिखते हैं आप लोग जानते ही होंगे ठीक है तो जिसका वैल्यू क्या होता है तो के का वैल्यू आप लोग जानते होंगे यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जो के का वैल्यू होता है नाइन पॉइंट जीरो इंटू टेन टू पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर होता है ओके okay? तो मेरे ख्याल से आपको यह पता ही होगा अगर नहीं पता था तो अब आपको पता हो गया मेरे ख्याल से ठीक है इसके बाद में अगर मैं अगर बात करूं दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक न्यूमेरिकल के लिए चैप्टर वन के न्यूमेरिकल में ये जरूरत ही पड़ता है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्य क्षेत्र मतलब कोई भी बिंदु दे दिया यहां पर कोई बिंदु आवेश रख दिया मान लिया एक बिंदु आवेश है इस बिंदु आवेश से सेंटीमीटर की दूरी पर दो सेंटीमीटर की दूरी पर दस मीटर की दूरी पर कितनी भी दूरी दे सकता है तो किसी दूरी पर किसी बिंदु आवेश से कुछ निश्चित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे निकालने को कहता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो याद रखिए E इक्वल टू K Q अपन आर स्क्वायर K वही है जिसका वैल्यू है नाइन पॉइंट जीरो इंटू टेन टू पार माइनस सॉरी नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रिकुलाम स्क्वायर और Q यहां पर आवेश है जिस आवेश की हम बात कर रहे होंगे आर यहां पर दूरी होती है ओके इसके बाद में हम बात करें वैद्युत तो द्विध्रुव आगुण वैद्युत ध्रुव आगुण आप जानते ही होंगे ठीक है वैद्युत को से व्यक्त करते हैं और क्यू इन टू, टू, टू एल, से आर लिखते हैं q क्या है द्विध्रुव पर दो आवेश होते हैं दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए और r क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी ठीक है तो अगर द्विध्रुव पर दो आवेश हैं तो उन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए और उनके बीच की जो दूरी है या दुध्रुव की लंबाई है वो उनकी अगर हम गुणा कर लें तो उसी को हम बोलते हैं दुध्रु आगुण ओके सो so, वैद्य ध्रु आगुण का फॉर्मूला है पी इज टू क्यू इन टू आर या फिर टू क्यू एल भी बोलते हैं जहां पर क्यू क्या है आवेश और टूएल दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है ओके हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे से ठीक है इसके बाद में वैद्युत दिध्रुव पर बलागुण क्या होता है तो बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है जैसे हम टाउ से लिखते हैं टाउ इक्वल टू भैया थी क्या है, ये है तो पी है मतलब कोण ओके तो ये याद रखिएगा इसके बाद में वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है टू के पी अपन आर क्यूब यहां पर टू के क्या है तो के यही वाला है अपना ठीक है पी क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है ठीक है और आर क्या है दूरी है ओके सो so, ये हो गया फार्मुला. इसके बाद में वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है तो मैंने ये भी लिखा है इज इक्वल टू के पी ए आर क्यूब इसमें और इसमें अंतर क्या है थोड़ा सा अंतर है यहां पर टू के पी है यहां पर केवल के पी एपन आर क्यूब ओके तो फॉर्मूला वही है बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स क्या है तो यहां पर वेदिस फ्लैश को हम लोग फाइव ए से व्यक्त करते हैं फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए ठीक है या फिर ई ए थीटा जब हम वेक्टर हटाते हैं तो थीटा लगा देते हैं यहां पर थीटा ई e और ए के बीच का कोण होता है ठीक है मेरे ख्याल से आपको ये याद ही होगा ये सारे फॉर्मुले मेरे ख्याल से आपको याद ही होंगे फिर भी मैं आपको बता रहा हूं और इसके बाद में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत ही जरूरत पड़ती है ओके इसके बाद में गॉस थ्योरम से हम लोग ने देखा कि फ्लक्स ही हम लोग निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स ही निकालते हैं फाइस्यूपन एफ सल अगर कोई आवेश दिया है किसी पृष्ठ के भीतर बंद है और कहा इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा तो हम गौस्थरम लगाते हैं फाइव इज उगल क्यू अपान एप्सल इसके बाद में किसी परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्य चित्र अगर कोई तार है जो आवेशित है इस पर आवेश रख दिया जाए तो इसके पास में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है ई जुकल टू वन अपान, अपान ओके इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर लेमडा क्या है लेमडा यहां पर होता है आवेश का रेखी घनत्व रेखी आवेश घनत्व तो लेमडा का वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं लेमडाइज टू होता है क्यू अपान एल ओके तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर भैया वन अपान फोर पेट का मतलब है के वही वाला ठीक है अगर मैं बात करूं अनंत विस्तार वाले अचालक प्लेट के निकट वैद्य क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है तो आपके सामने लिखा है सिग्मा आ, आ, टू सिग्मा सॉरी मतलब होता है यहाँ पर सिग्मा क्या है आवेश का पृष्ठघन तो जिससे हम सिग्मा इजल टू क्यू अपान ए भी कह सकते हैं ठीक है और एपसेलन नाट आपको बता है निर्वात अथवा वायु की वैधशीलता होती है इसका वैल्यू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व होता है आपको पता ही होगा ठीक है इसके बाद में देखा है परिमित मोटाई की चालक प्लेट के ठीक तो तो हाँ है तो मेरे ख्याल से ये आपको फॉर्मुले ऑलरेडी पता होंगे अगर नहीं पता थे तो अब आपको पता हो गए होंगे और इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा ठीक है अगले वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले है आप लोगों के लिए ठीक है अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं हटता हूँ आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए फिर मैं कुछ विशेष बातें बताता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ठीक है तो जल्दी से स्क्रीन लीजिएगा चलो तो फिर आप हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है तो एक मिनट के लिए यहां पर देखते हैं इसको मैं मिटा देता हूं और

तो धनात्मक आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमेशा आउटवर्ड होती है मतलब बाहर की ओर होती है ये आप ध्यान से समझिए ठीक है अगर यहीं पर मैं कहता कि माइनस आवेश है तो माइनस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा भीतर की ओर होती है समझ रहे ना भीतर की ओर होती है इस तरह से माइनस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र भीतर की ओर प्लस आवेश कारण क्षेत्र बाहर की ओर होता है ठीक है अगर मैं कह दूं कि यहां पर तीन कुलाम का आवेश धनात्मक आवेश रखा है तो इस बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बताइए आप तो यहां पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या होगा यहां पर धनात्मक आवेश है तो इससे बाहर की ओर यहां पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इस तरह से होगा बाहर की ओर ठीक है अगर यही आवेश यहां पर कह देते हैं माइनस आवेश है तो अब यहां पर बिंदु बी, बी, पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता बताइए तो ये भीतर की ओर बताया जाता है इस आवेश की ओर बताया जाता ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए अब दूसरी बात अगर एक से अधिक आवेश होते हैं तो आवेश तो वैद्य क्षेत्र तो बनाएंगे ही अगर एक से अधिक आवेश हैं तो दोनों आवेश या जितने भी आवेश होंगे सारे के सारे वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे तो किसी भी बिंदु पर अगर एक से अधिक आवेशों का वैद्युत क्षेत्र पहुंच रहा है तो वहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या कुल वैद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं ओके यहां पर ध्यान से देखिएगा देखिएगा कि मान लिया कि एक आवेश यहां पर है क्यू और एक आवेश यहां पर है क्यू ठीक है और इस यहां पर पूछा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा तो सिंपल सी बात है याद रखिएगा यहां पर वैद्युत क्षेत्र अगर Q1 के कारण देखेंगे अगर Q1 धनात्मक है तो Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन यह होगा जिससे हम E1 कह सकते हैं ओके और Q2 भी अगर धनात्मक है तो Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इससे बाहर की ओर होगा अभी मैंने बताया है इसे हम ई कह सकते हैं अब देख रहे हैं E1 और E2 इस बिंदु P की बात करें तो बिंदु P पर इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र कुछ बन रहा है जिसे हम E1 कह रहे हैं इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र बन रहा है जिसे हम E2 कह रहे हैं लेकिन यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते समय क्या करना होता है हमें यह याद रखना है कि ईवन माइनस ई टू कर देंगे क्यों क्योंकि ये विपरीत दिशा में है बच्चा अभी घबराइए नम यहां आप सोच रहे होंगे ये गलत बता रहे बिल्कुल भी मैं गलत नहीं बताऊंगा बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक छोटी बात एक्सप्लेन करने वाला हूं ठीक है मैंने क्या बोला कि अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र विपरीत डायरेक्शन में है इन दिस केस इस स्थिति में आपको क्या करना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते समय आपको एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र को घटा देना है लेकिन यही अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होते एक ही दिशा में होते तो हम क्या करते दोनों के वैद्युत क्षेत्र को जोड़ देते लेकिन दिक्कत तब आती है जब ना तो विपरीत दिशा में हो और ना ही एक ही दिशा में हो कुछ अंश के कोण पर झुके हुए हो एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है तब क्या होगा ये देखते हैं ठीक है मैंने क्या बताया विपरीत दिशा में है तो वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम घटा के निकालेंगे इसके कारण वैद्युत छद निकाल लेंगे फिर इसके कारण वैध छद निकालेंगे फिर दोनों को घटा देंगे तो परिणामी वैध क्षेत्र हो जाएगा ठीक है अगर मैं कहता कि यहाँ पर भाई माइनस वाला आवेश है, ये माइनस का आ, आ, Q2 है तो Q2 अगर माइनस का होता तो E2 जो होता Q2 के कारण जो वैद्य क्षेत्र बनता वो भी इसी की ओर भीतर की ओर बनता तो अब हम देख रहे हैं कि ई वन और ई टू दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया अब जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि अब इनका परिणामी कैसे निकालेंगे ई वन प्लस ई टू करके ओके बट अब दिक्कत यह है कि अगर मान लिया मैं इन दोनों स्थितियों को हटा दूं और तीसरी स्थिति की बात करूं कि एक बिंदु ए है यहां पर आवेश क्यू वन है एक बिंदु बी है यहां पर आवेश क्यू टू है ठीक है Q2 है और एक बिंदु C है यहां पर वैद्युत क्षेत्र आपसे आप पूछा जा रहा है तो आप ऐसी स्थिति में कैसे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो यहां पर देखेंगे इस आवेश के कारण मान लिया ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो डायरेक्शन ये होगा E1 का डायरेक्शन ये इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा बिंदु C पर इस दिशा में होगा ठीक है अब ना तो ये पूर्णतया क्षैतिज मतलब दोनों एक दिशा एक ही दिशा में है ऐसा भी नहीं है और ना ही ये विपरीत है जब एक दिशा में होते हैं तो जोड़ देते हैं विपरीत होते हैं तो घटा देते हैं लेकिन ये ना तो विपरीत है और ना ही समान दिशा में है ठीक है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं जब भी वैद्युत क्षेत्र किसी अंश के कोण पर झुके हो मान लिया कोई भी इनके बीच का कोण है थीटा है तीस अंश है पचास अंश से साठ अंश है नब्बे अंश है कुछ भी दे दिया जाए ठीक है तो ऐसी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते समय हम क्या करते हैं ई इज इक्वल टू रूट में लगाते हैं e1 स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू e1 ए टू थीटा स्थिति यह हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाता है ओके क्या होता है e1 स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू e1 ई टू को या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई स्क्वायर बराबर में e1 स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू थीटा ठीक है हम सबसे पहले इसके क्षेत्र निकाल निकाल लेंगे E2 निकाल लेंगे परिणामी निकालने के लिए हम जोड़ेंगे नहीं अब की बार ई वन प्लस ई टू कर देंगे तो परिणामी आ जाएगा ऐसा नहीं होने वाला घटाएंगे भी तब भी नहीं आएगा क्योंकि विपरीत दिशा में हो तो घटा देते सेम डायरेक्शन में होते तो जोड़ देते लेकिन जब किसी अन्य कोण पर हो तो हमें फॉर्मूला लगाना है ईवन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ईन ए टू कोस्टा थीटा यहां पर क्या है इनके बीच का जो भी एंगल होगा वो यहां पर रख दिया जाएगा ओके तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी अगर ये बात आप समझ गए हैं तो यकीन करिए आप अगली क्लास में धमाल मचा देंगे क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे ठीक है मैं आपको समझाऊंगा फिर देखते हैं किस फील्ड के साथ में आप इस न्यूमेरिकल्स को सीख पाते ओके बहुत ही इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और आपको हमारा इसमें साथ देना पड़ेगा मैंने बताया है कि वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पॉजिटिव कमेंट जरूर करिए क्योंकि मोटिवेशन की आवश्यकता होती है आप लोगों के सामने आने के लिए तो आप लोग हमें मोटिवेट करते रहें आप लोग कमेंट करते रहें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं जो मैंने न्यूमेरिका जो फार्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए इसके बाद में जो मैंने ये तरीके बताए हैं ये आपको पता होने चाहिए इसी के बाद अब हम अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में आने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं होता है ठीक है बोर्ड एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है देखते हैं चलो आज के